और अब बात मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव लोगों की, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त जो संख्या मध्य प्रदेश में है वो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो 486 पहुंच चुकी है। और ज़िलेवार आंकड़े हम देखे जाएं तो इंदौर में 249 सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव वहाँ इंदौर में है, जबलपुर में 9, शिवपुरी में 2, मुरैना में 14, ग्वालियर में 6, उज्जैन में 16, भोपाल में 121, खरगोन में 14, छिंदवाड़ा में 4, बड़वानी में 14, होशंगाबाद में 9, बैतूल में 1, श्योपुर में 1, विदिशा में 13, रायसेन में 1, खंडवा में 5, सागर में 1, धार में 1, शुजालपुर में 1 और देवास में 3। तो इस तरह देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल, ये दो शहर ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पूरे मध्य प्रदेश की हम अगर बात करें तो 486 मरीज मध्य प्रदेश में हैं और प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी अब 35 हो गई। इस खबर पर हम सीधे चल रहे हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश जो है अब चिंताजनक स्थिति यहां बनती जा रही है, खासतौर से इंदौर और भोपाल के जो हालात हैं। इंदौर में 249 संक्रमितों की संख्या पहुँच चुकी है और भोपाल दूसरे नंबर पर है जहाँ 121 कोरोना संक्रमित लोग हैं, 35 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां अब सरकार की ओर से हैं? और ये लॉकडाउन जाहिर तौर पर ही निश्चित तौर पर बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना पूरी पूरी दिखाई दे रही है, और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अपना लगातार सरकार इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन जिस तरह से जिक्र आपने किया कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है काफी क्रिटिकल होती जा रही है, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तकरीबन 486 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है और लगातार जांच इसकी चल रही है। और तेजी, चिंता की वजह यही है कि अब जिस तरह से तेजी के साथ ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है पूरे देश में, जिस तरह से 24 घंटों में 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्थिति वहां पर है, 249 जिस तरह से आपने आंकड़ा बताया कि वहां पर ये संख्या पहुंच गई है, राजधानी भोपाल में भी 121 के आसपास ये संख्या है। कुल मिलाकर अब पूरे प्रदेश में 21 जिले इससे प्रभावित हैं, 21 जगहों पर कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं वो मिल रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे सने सने जो कोरोना है वो अपने पैर पसार रहा है, यही चिंता का विषय है। दूसरी तरफ जिस तरह से जिक्र आपने किया, आज पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, 14 तारीख को जिस तरह से लॉकडाउन का 21 दिन पूरा होना है और जो अलग अलग राज्यों ने इसकी मांग की है कि इसके लॉकडाउन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन ही एक कारगर उपाय है इस जंग में, कि आप जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, लॉकडाउन के जरिए लोग अपने घरों में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तो कोरोना की जो चेन है वो टूट पाएगी। और यही कारण है कि लगातार अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, पीएम नरेंद्र मोदी सारे देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी चर्चा होना है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या अला तमाम अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, और लगभग लगभग सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अधिकांश तक ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जाए, संभावना जिस तरह से है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर प्रयासरत है, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें या फिर लोगों को, चूंकि इंदौर और भोपाल ऐसे स्थान है जहां टोटल डबल लॉकडाउन है, उसका कारण है कि कई हॉटस्पॉट्स भी चिन्हित किए गए हैं कि उनको पूरी तरीके से उनको कवर कर दिया गया है, भोपाल में भी कमोबेश यही स्थिति है, और यहाँ तक कि 3 से 4 दिन पहले जो निर्णय लिया गया था कि किराने की दुकान भी नहीं खुलेंगी, मार्ट जो खुल रहे थे वो नहीं खुलेंगे, सब्जी भी नहीं मिलेगी, 3 दिन तक ऐसा रहा, लेकिन आज इस तरह से व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है कि लोगों को सब्जी मुहैया हो सके, किराना मुहैया हो सके, और 1 किलोमीटर के दायरे में ये कहा गया है किराना व्यापारियों से कि वो घर जाके अपनी डिलीवरी कर सकते हैं, उसका भी पास उनको बनाए गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से मांग है, जिस उस हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और कुछ ऐसे मामले भी देखने के आए, राजधानी भोपाल की हम बात करें तो एम्स
के पास में कुछ महिलाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया और जिस तरह से उनको जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में लॉकडाउन का जो पालन है वो भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा सरकार अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वेंटिलेटर की हम बात करें, चाहे हम जांच किट की बात करें, कई वार्ड ऐसे निर्मित किए जा रहे हैं जैसे बैरागढ़ के पास में जो बैरिज गार्डन है वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। जी राजेश जी, कुल मिलाकर कोशिश यही है अविनाश जी की कैसे इस जंग से लड़ा जाए, लेकिन कोरोना जिस तरह से पांव पसार रहा है वो चिंताजनक है। लेकिन अपील यही है, न्यूज वर्ल्ड यही अपील करता है लगातार, अविनाश जी डिजाना मीडिया समूह भी यही लगातार अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घरों में रहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। राजेश जी एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी जो जिस तरह से भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमितों की जो है तादाद लगातार बढ़ रही है और आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, मौतें भी 35 हो चुकी है मध्य प्रदेश में अभी तक, इंदौर में सर्वाधिक 27 लोग काल के गाल में समा चुके हैं कोरोना की वजह से, उज्जैन में भी 3 लोगों की मौत हुई है, खरगोन में 2 लोग की जान जा चुकी है, छिंदवाड़ा में एक शख्स की मौत हो गई है, भोपाल में भी एक शख्स की मौत हुई है और देवास में भी एक शख्स की मौत हुई है। तो ये चीजें जो है और ये आंकड़े जो है हमें डराते भी हैं, चौंकाते भी हैं। आने वाला वक्त जो है, जैसा आपने अभी बताया कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ाई जाएगी, अब 21 दिन के ये लॉकडाउन में ही काफ़ी चीज़ें जो है समस्याएं धीरे धीरे अब उभर कर सामने आने लगी हैं। यदि अप्रैल के आखिरी तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, तब और भी कई इस तरह की समस्याएं हैं जो सामने आएंगी। क्या लगता है कि अब संक्रमितों की संख्या ना बढ़े या रोकथाम के लिए क्या कुछ अब जो कड़े उपाय लॉकडाउन के अलावा जो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, उस दिशा में अब क्या कदम सरकार उठाती दिखाई दे रही है राजेश जी? देखिए अविनाश जी, कारगर उपाय यही है जो सरकार, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हम बात करें या फिर देश के अलग अलग राज्यों की हम सरकार की बात करें या फिर हम केंद्र सरकार की बात करें, कारगर उपाय लॉकडाउन ही है। कारगर उपाय सोशल डिस्टेंसिंग। क्या राजेश जी, आपको टोकूंगा बीच में, लेकिन एक चीज है, क्या भीलवाड़ा का जो मॉडल है वो भी अपनाया जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए अविनाश जी, जो आपने भीलवाड़ा जिक्र किया है कि जिस तरह से भीलवाड़ा मॉडल की अब बहुत चर्चा हो रही है, उसका यही है कि जिस तरह से वहां पर जो क्रिटिकल जहां पोजीशन थी उनको हॉटस्पॉट में तब्दील किया गया और पूरी तरीके से उसको लॉकडाउन किया गया, यानी कि किसी भी तरह के जो क्षेत्र ज्यादा संक्रमित है, जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा है, और वैसा ही भीलवाड़ा में हुआ है, इसलिए भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा है। और मध्य प्रदेश में भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चाहे इंदौर हो, चाहे बड़वानी हो या उज्जैन हो या फिर इंदौर हो या अन्य ऐसे क्रिटिकल जहां पर पोजीशन है वहां की बात करें, तो लगभग लगभग वही स्थिति भीलवाड़ा की तर्ज पर यहां भी अपनाई जा रही है कि पूरे तरीके से 100% लॉकडाउन किया जाए, उसको सबसे पहले हॉटस्पॉट घोषित किया जाए। दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि कई क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, यानी कि वहां कोई व्यक्ति वहां से उस क्षेत्र से नहीं निकल पाएगा, ना कोई वहां पर प्रवेश कर पाएगा। जरूरत की जो चीजें हैं वो, जैसे सब्जी वाले हैं या अन्य किराने की सप्लाई है कुछ, वो भी नहीं हो पाएगी, वो सारी चीजें प्रशासन द्वारा ही घरों तक पहुंचाई जाएंगी पूरी तरीके से सुरक्षित होकर, पीपीई के जरिए बिल्कुल कवर्ड होकर, जो भी जो सामान देने जाएगा वो वहां पर पहुंचेगा। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर यही स्थिति है, और जिस भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि पूरे तरीके से 100% लॉकडाउन, यानी कि हम कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी स्थिति भीलवाड़ा मॉडल है। उस पर जो वहां पर रिस्पॉन्स आया वो काफी बेहतर आया है, और यही कारण है कि कई राज्य सरकारें इस पर अमल करने जा रही हैं। और पहले तो सबसे पहले हॉटस्पॉट चिन्हित किया जाएगा, 3 किलोमीटर क्षेत्र का जो परिधि है उसको पूरी तरीके से लॉक किया जाएगा, आवाजाही बंद की जाएगी और लोगों को 100% घरों में रहने के लिए कहा जाएगा। और यही कारण है कि सबसे कारगर उपाय वही है, क्योंकि जो लगातार हम इस चर्चा कर रहे हैं, आपने भी कहा कि इसका आखिर निदान क्या है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि निदान अभी तक क्या इसका निदान है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है, वो अभी कोई चीज अभी सामने नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ टोटल लॉकडाउन ही इसका अभी। बिल्कुल, आने वाले समय में हम देखा जाए कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं इंदौर और भोपाल में खास तौर से, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब भीलवाड़ा मॉडल ही
लागू किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।